तो अब बात करते हैं नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस का मतलब क्या है? नेग्लिजेंस का मतलब है आपका केयरलेसनेस, मतलब कि केयरलेसनेस का मतलब है लापरवाही। किसी भी काम को करते समय जितनी आपको केयर करनी चाहिए, जितना आपको ख्याल रखना चाहिए, वो उतना ख्याल ना रखें और उसके मतलब कि केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से किसी भी तरह की इंजरी जो है दूसरे पर्सन को हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाया जाता है? वो आपका नेग्लिजेंस कहलाया जाता है। नेग्लिजेंस को भी आपका एक तरह से सिविल रॉन्ग माना जाता है, इसको टोट माना जाता है। नेग्लिजेंस का सिंपल सा मतलब है कोई भी एक्ट या कोई भी ओमेशन जिसकी वजह से जो दूसरे पर्सन को किसी भी तरह की फिजिकली इंजरी हो या किसी भी उस तरह को प्रॉपर्टी को इंजरी हो या फिर उस पर्सन के किसी तरह से लीगल राइट का वॉयलेशन हो, मतलब किसी तरह की भी उसको इस पर्सन को इंजरी हो सकती है। बात करते हैं कि नेग्लिजेंस के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, तो चार इसके एसेंशियल एलिमेंट है। पहली चीज तो क्या है, डिफेंडेंट है उसकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए टू टेक केयर। जो भी पर्सन एक्ट कर रहा है या ओमिशन कर रहा है उस पर्सन की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो उस टाइम पर जो एहतियाती बरते। तो ये केस है आपका, केस के बारे में बात करते हैं। केस लो है आपका डोनेग्यू वर्सेस स्टेवनसन 1932 का आपका केस है। इसमें क्या होता है, इस केस में ये था कि जो प्लेंटिफ था वो एक बोतल लेके आता है, बियर बोतल, जिंजर बोतल लेके आता है आपका दुकान पे से। तो उस बोतल में स्नेल जो होता है, गेंगा आपने देखा हो, केकड़े की तरह होता है जो समुद्र में पाया जाता है, तो वो आपका मरा हुआ होता है। पर जो बोतल जो होती है इस टाइप की होती है कि जो उसके कांच के अंदर जो है कुछ दिखाई नहीं देता। अब वो आदमी उस बोतल को मतलब की जो बियर है उसको पीना स्टार्ट करता है और जब एंड में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके अंदर वो गेंगा पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से उस पर्सन को जो एक तरह से शोक लग जाता है। लगने की वजह से उस पर्सन को किसी तरीके की डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से वो पर्सन क्या करता है, वो आपका उस कंपनी पर, जिस भी कंपनी के द्वारा वो आपका जो बोतल बनाई गई है उस पर केस कर देता है डैमेज रिकवरी से रिलेटेड। तो वो कंपनी क्या कहती है, वो कंपनी ये कहती है कि उस पर्सन ने सीधा कॉन्टेक्ट उससे नहीं करा है, किसी तरह का वो उसका कॉन्टेक्ट नहीं है, जो उसका फ्रेंड था वो लेके आया था शॉप से उस बोतल को। तो कोर्ट के द्वारा यही कहला गया कि आपका जो है डायरेक्ट इससे कॉन्टेक्ट नहीं है, पर आपका अगर देखा जाए तो रियल में जो ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी जो ये बनती है कि आप बोतल जब भी उसमें कुछ भी मतलब भर रहे हैं, बियर भर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रखें आप, आपकी ये ड्यूटी है कि उस टाइम पे ख्याल रखें और पूरी सावधानी बरतें कि किसी तरह का कोई उसमें अंदर जो है मतलब कि कोई दूसरा तत्व तो नहीं जा रहा है, दूसरी चीज तो नहीं जा रही है या कुछ उसके अंदर पड़ा तो नहीं है। इस वजह से उस कंपनी को जो है इसका लायबल माना गया और उस कंपनी को जो है उसको डैमेज जो है डैमेजेस देना पड़ा, मतलब कि कंपनसेशन देना पड़ा उस पर्सन को। एक केस लो की और बात करते हैं, इसमें यह है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज सुप्रिया घोष, AIR 1973 का ये केस है। इस केस में क्या होता है, जो सुप्रिया घोष है इसका हस्बैंड होता है सहब्रता घोष, इसका जो है इसके हस्बैंड का नाम होता है। तो इसका हस्बैंड क्या होता है, वो कार ड्राइव करता रहता है और जब वो रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंचता है तो उस टाइम पर मतलब कि जो रेलवे जो फाटक होता है वो रेलवे क्रॉसिंग जो होता है वो आपका खुला रहता है, जिसकी वजह से जब जैसे वो क्रॉस करने लगता है तो एकदम ट्रेन आ जाती है और उसका जो है कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो डेथ हो जाती है। इस केस में जो वाइफ है सुप्रिया घोष के द्वारा यही आपका जो मतलब कि केस उठाया गया, यही मुद्दा उठाया गया कि जो आपका रेलवे क्रॉसिंग थी, जो आपका जो फाटक था वो गेट खुला हुआ था, जो कार के शीशे थे वो बंद थे, जिसकी वजह से जो उसका हस्बैंड था ना तो उस कार मतलब कि ट्रेन को देख पाया और ना ही उसकी आवाज सुन पाया। तो इसलिए जो लायबिलिटी बनती है, जो जिम्मेदारी बनती है वो उस गेट मतलब कि जो आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो कोर्ट ने भी यही पाया और कोर्ट ने उसको लायबल ठहराया। दूसरे एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि जो डिफेंडेंट है उसकी जो ड्यूटी होनी चाहिए प्लेंटिफ के तरफ होनी चाहिए, प्लेंटिफ के लिए होनी चाहिए, टूवर्ड द प्लेंटिफ। इस केस में आपके इसमें भी केस बात करते हैं तो केस लो की बात करते हैं, मकबूल अहमद वर्सेस भूरा लाल AIR 1986 का ये केस है। इसमें क्या था, इस केस में ये था कि आपका जो बस ड्राइवर था और एक कंडक्टर था, तो कंडक्टर जो है गेट पर खड़ा होता था और वो देखता था कि जो पैसेंजर है वो सारे जो है बस के अंदर चढ़ गए या नहीं चढ़ गए, और जब वो बस के अंदर चढ़ जाते तो ड्राइवर था, ड्राइवर की ये ड्यूटी थी वो भी अपना चेक करता था कि पैसेंजर जो अंदर चढ़ गए या नहीं चढ़ गए, अगर चढ़ गए होते तो तभी वो अपनी बस लेके चलता था। पर इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो आपका पैसेंजर होता है तो पैसेंजर जैसे चढ़ता है तो आपका वो पूरा चढ़ा नहीं होता है, मतलब कि उसका पैर रखा होता है सिर्फ अभी, इतने में जो ड्राइवर होता है वो अपनी जो है मतलब कि बस चला लेता है, जिसकी वजह से वो उसको वो मतलब उसकी जो है उस पर्सन की डेथ हो जाती है जो पैसेंजर होता है।
तो इस केस में जो कोर्ट ने ये पाया गया कि आपका जो कंडक्टर है और जो बस ड्राइवर है, तो दोनों जो इस केस के लिए लायबल हैं, दोनों की नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है आपका, उसके पर्सन की जो है डेथ हुई है, क्योंकि तो बस ड्राइवर की भी और कंडक्टर की भी दोनों की ड्यूटी है उस उन मतलब कि जो भी पर्सन उस बस के अंदर चढ़ रहा है उनके प्रति ड्यूटी है कि वो देखें पहले कि वो पूरा चढ़ गए हैं बस में, आ गया है या नहीं आ गया है पैसेंजर, उसके बाद ही वो जो बस ड्राइव करें। जो थर्ड इसेंशियल एलिमेंट है, थर्ड इसेंशियल एलिमेंट ये है कि जो डिफेंडेंट है वो गिल्ट पाया जाना चाहिए ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि जो उसकी ड्यूटी है टेक केयर करने की, सावधानी बरतने की, वो उसने नहीं बरती होनी चाहिए, मतलब कि सावधानी नहीं बरती होनी चाहिए उस केस में, और वो गिल्ट पाया जाना चाहिए। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपका डिफेंडेंट है उसने वो चीज नहीं करी जो कि उस केस में दूसरे पर्सन के, कोई भी अगर दूसरा पर्सन होता वो उस केस में वो करता। फोर्थ एलिमेंट है कि जो प्लेंटिफ है उसको सफर डैमेज, मतलब कि प्लेंटिफ को जो किसी ना किसी का नुकसान होना चाहिए किसी भी तरह का, चाहे उसके राइट का हो या फिर उसकी प्रॉपर्टी का हो या उसके फिजिकल बॉडी का हो या किसी तरह का उसको नुकसान होना चाहिए, डैमेज जो उसको हुआ होना चाहिए वो डैमेज उस प्लान मतलब कि जो डिफेंडेंट है उसके नेग्लिजेंस की वजह से हुआ होना चाहिए डैमेज। तो अब बात करते हैं नेग्लिजेंस।